हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर के नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जांपल्स। मैच द एसिड्स गिवन इन कॉलम वन विद देयर करेक्ट सोर्स गिवन इन कॉलम टू। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ एसिड्स जो कि लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दिए गए हैं, और कॉलम टू में हमें उनके सोर्स जैसे कि टोमेटो, लेमन, विनेगर, कर्ड एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, सबसे पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है। द एसिड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो इस चारों एसिड को डिस्कस करने से पहले क्विकली सारे ऑर्गेनिक एसिड को यहाँ पे हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर डिस्कस करेंगे। ओके सो फ्रेंड, चलो यहाँ पे काफी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं, तो चलो लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले एसिटिक एसिड वी गेट इट फ्रॉम विनेगर, लैक्टिक एसिड सोअर मिल्क से, मैलिक एसिड हमारा एप्पल, ब्यूटरिक एसिड रैंसिड बटर, यूरिक एसिड यूरिक में होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन से, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज एट्सेट्रा, टार्टरिक एसिड टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एट्सेट्रा, ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल, स्टेरिक एसिड फैट्स, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज से मिलता है, और फॉर्मिक एसिड का सोर्स है स्टिंग ऑफ एंट एंड बीज। सो ये इतने सारे एसिड्स है जो बिल्कुल आपको पता होने जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सारे इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें दिए गए हैं उसकी पेयर अभी हम लोग लगाते हैं। लैक्टिक एसिड इसकी पेयर लगाएंगे हम लोग कर्ड से, एसिटिक एसिड की पेयर लगेगी विनेगर से, साइट्रिक एसिड का सोर्स होता है साइट्रिक फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस एट्सेट्रा, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है टोमेटो में पाया जाता है। सो दीज आर ऑल द करेक्ट पेयर्स ऑफ द ऑप्शंस ऑफ कॉलम नंबर वन। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32 में हमें पूछा गया है मैच द इम्पॉर्टेंट केमिकल्स गिवन इन कॉलम वन विद द केमिकल फॉर्मूला गिवन इन कॉलम टू। ओके, नाम यहाँ पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, स्लैक लाइम, और उनके कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए गए हैं। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 32 में ये जो ऑप्शन दिए गए, सबसे पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, सॉरी उसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4.5H2O। सो उसकी पेयर लगेगी यहाँ पे। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगेगा नंबर 3 को, है ना। जिप्सम को ही जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तभी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, सो फॉर्मूला होगा CaOCl2। एंड स्लैक लाइम यहाँ पे उसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 32। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। ओके सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में क्या चेंज नजर आएगा। सब्सटेंसेस देखिए फ्रेंड्स, ड्राई HCl गैस, मॉइस्ट अमोनियम गैस, लेमन जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कर्ड सोप सोल्यूशन। तो यहाँ पे दो बातें हमें सबसे पहले पता होनी जरूरी है। सबसे पहले लिटमस पेपर का कलर चेंज एसिड और बेस में कैसे होता है ये हमें पता होना जरूरी है, और दूसरी इंफॉर्मेशन कि ये जो सारे कुछ सोर्सेज दिए गए लेमन जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उसमें उसका नेचर यानी कि एसिडिक है या बेसिक है वो हमें पता होनी चाहिए। ये दोनों अगर बातें हमें पता है तभी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलो इसको भी क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके सो सब फ्रेंड, सबसे पहले लिटमस पेपर का जो कलर चेंज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिटमस पेपर जो होता है एसिड में रेड कलर ही डिनोट करेगा, यानी कि रेड लिटमस पेपर है रेड ही होगा, या फिर जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हो ब्लू लिटमस पेपर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और बेस में हमेशा ब्लू कलर हमें मिलेगा, यानी कि ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, या रेड हम लोग इस तरीके से इंसर्ट करते हैं तो इट विल बी चेंज टू द रेड अगर इंसर्ट करते तो इट विल बी चेंज टू द ब्लू। ओके सो बेस ब्लू, एसिड रेड, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ओके सो ये तो हो गया लिटमस पेपर का कलर चेंज। अभी मेन कंसेप्ट को समझते हैं। ओके फ्रेंड, सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया था ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो फ्रेंड, हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl ये वर्ड सुन के आप लोग एसिड का यहाँ पे लॉजिक लगाओगे तो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे आपके होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। देखिए, एसिड्स अपना नेचर कब शो करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के साथ में H2SO4 मिक्स किया था, तब इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक गैस फॉर्म हुआ था। लेकिन जब हम लोगों ने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे लाया था तो हमें कोई भी कलर चेंज नहीं मिला था, लेकिन जब हम लोगों ने मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे इस HCl गैस के कॉन्टेक्ट में लाया था तो वो ब्लू से रेड में चेंज हो गया था।
तो इस एक्टिविटी से हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो भी एसिड्स होंगे वो अपना एसिडिक नेचर कब दिखाएंगे, जब वो ऐड किए जाएंगे, मिक्स कर दिए जाएंगे वाटर में। तो यहाँ पे ये ड्राई HCl गैस है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कलर चेंज हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे, है ना। सो प्लीज नोट दिस थिंग पॉइंट केयरफुली। ओके, सो फ्रेंड बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। ड्राई HCl गैस तो नो चेंज इन लिटमस पेपर होगा। सेकेंड हमें दिया गया था मॉइस्ट NH3 गैस, तो यहाँ पे ये बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक में ब्लू कलर हम लोगों ने जैसे लर्न करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे रेड लिटमस पेपर इट विल बी टर्न टू द ब्लू। सेकेंड वॉज, थर्ड वॉज लेमन जूस। लेमन जूस में प्रेजेंट होता है फ्रेंड साइट्रिक एसिड, तो इसी की वजह एसिडिक नेचर उसका होगा, तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो हियर विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। सो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स उसमें होता है कार्बोनिक एसिड, विच इज अ वीक एसिड, है ना, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड है, एसिड होने की वजह से रेड कलर हमें मिलेगा, रेड होगा तो रेड ही, या फिर ब्लू होगा तो इट विल बी टर्न टू द रेड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा कर्ड। कर्ड में जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, सो एसिडिक नेचर होने की वजह से वो यहाँ पे कलर चेंज देगा हमें ब्लू लिटमस टू रेड। सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन का नेचर जो होता है बेसिक होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर हमें दिखाई देगा, सो रेड लिटमस पेपर विल टर्न टू द ब्लू। आई होप ये सारा लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में ये जो ड्राई HCl गैस का कंसेप्ट था वो आप लोग काफी अच्छे से समझ के रखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ओके, सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, नेम द एसिड विच इज प्रेजेंट इन द एंट स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो एंट स्टिंग में कौन सा एसिड है उसका फॉर्मूला भी पूछा गया है। ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिसकम्फर्ट कॉज्ड बाय द एंट स्टिंग। तो फ्रेंड जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तभी हम लोगों ने देखा था कि एंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, जिसका अनदर नेम मिथेनोइक एसिड भी है। तो उसका फॉर्मूला भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसको इस कंडीशन में रेमेडी क्या है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। ओके, सो फ्रेंड ये जो फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है एंट स्टिंग में, उसका फॉर्मूला है HCOOH। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रेमिडी क्या होगी? सो फ्रेंड एंट ने तो ये एसिड हमारी बॉडी में रिलीज कर दिया, तो उससे रिलीफ पाने के लिए हमें वहां पे उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, जरूरी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइल्ड बेस का यूज करेंगे। सो जनरली घर में हमारे पास में अवेलेबल होता है बेकिंग सोडा, तो हम लोग वेट बेकिंग सोडा वहां पे अप्लाई करेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर स्टिंग पोर्शन एरिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 34। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द एग शेल। ओके, सो फ्रेंड यहाँ पे ये जो एग शेल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और सेकेंड थिंग कि आपको एसिड और एसिड और जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं उनके रिएक्शन के बारे में पता होना जरूरी है। चलिए सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस मेटल का सॉल्ट और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वहां पे प्रोड्यूस होता है। ये हमें आपको ये पॉइंट हमें यहाँ पे पता होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं कि एक शील जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना है रिएक्ट हो रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे कैल्शियम में जो मेटल प्रेजेंट है कैल्शियम, वो रिएक्ट होगा इस वो ऐड होगा इस नाइट्रेट आयन से और कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, और उसके साथ साथ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी प्रोड्यूस होगा। चलिए इस रिएक्शन को भी समझने का प्रयास करते हैं। ओके, सो फ्रेंड जैसे कि आप लोग इस वीडियो में भी देख रहे हो कि जब ये एग ऐड किया जाता है नाइट्रिक एसिड में, तो उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, कवरिंग होता है, वो डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि वहां पे फॉर्म हो जाता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसकी रिएक्शन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि कवरिंग है उस एग का, वो रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ में, और ये जो कैल्शियम है मेटल वो फिर इस नाइट्रेट आयन से कनेक्ट होगा और कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। उसके साथ साथ इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है। तो इस रिएक्शन को भी हमें लिखना है और इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन भी हमें इस आंसर में लिखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 35। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ वन एन एसिड एंड सेकेंड अ बेस। तो एक स्टूडेंट है, उसने दो सॉल्यूशन बनाए, एक एसिड का बनाया और एक बेस का बनाया, ठीक है, इन टू सेपरेट बीकर्स। शी फॉरगॉट टू लेबल द सॉल्यूशंस एंड लिटमस पेपर इज नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। ओके, तो उसने नाम देना भूल गया है, मीन्स जो सॉल्यूशंस यहाँ पे है तो
तो वो स्टूडेंट को पता नहीं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है कौन सा बेसिक है, लिटमस पेपर भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सिंस बोथ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस, हाउ विल शी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? तो वो यहाँ पे कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है? तो फ्रेंड जो सब्सटेंस का नेचर होता है उसको चेक करने के लिए सिर्फ लिटमस ही एक इंडिकेटर नहीं है, लिटमस के अलावा भी हमें दूसरे इंडिकेटर्स पता है, जैसे कि मिथिल ऑरेंज हो गया या फिर टर्मरिक हो गया, फेनोल्फथलीन हो गया, तो ये इंडिकेटर वहाँ पे वो स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कौन से इंडिकेटर अवेलेबल है जो कि स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका कलर कोड भी हमें वहाँ पे लिखना होगा। तो लेट्स डिस्कस दिस। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग चार ऑप्शंस यहाँ पे देंगे। सबसे पहला तो लिटमस पेपर, सॉरी, सबसे पहला तो लिटमस पेपर की जो कि पर्पल कलर का होता है लेकिन एसिडिक में रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू देगा। सेकेंड थिंग, फेनोल्फथेलिन भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस ही होगा लेकिन बेस में ऐड करेंगे तो पिंक कलर का हमें कलर वहाँ पे दिखाई देगा। तीसरा इंडिकेटर मिथिल ऑरेंज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में, जिसका कलर होता है ऑरेंज, एसिड में अगर डाल देते हैं तो रेड हो जाता है और बेस में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो येलो हो जाता है। या फिर टर्मरिक जूस भी वो स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसका कलर होता है समवॉट येलोइश, एसिड में अगर उसको हम लोग ऐड करेंगे तो येलो ही रहेगा लेकिन बेस के साथ वो जब रिएक्ट होता है इसी की वजह से डार्क रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इतने सारे ऑप्शंस है स्टूडेंट के पास में जिससे वो चेक कर सकते हैं कि जो कलरलेस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन उसने बनाए हैं तो कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। सो ये टेबल हम लोग हमारे आंसर में लिखेंगे। आई होप ये सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसी तरीके से मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टॉपर्स कोचिंग क्लास। थैंक यू सो मच।